गाइज, आज आपको मैं देने वाली हूँ एक महीने का चैलेंज। एक महीने में अगर आप मेरी बताई हुई सारी एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो आपके पेट के इंचेस यानी कमर के इंचेस लूज भी होने लगेंगे और आपका लटका हुआ पेट चाहे कितना भी ज्यादा हो आपको ह्यूज डिफरेंस फील होगा। लेकिन दिल से आपको वो एक्सरसाइज फॉलो करनी होगी। साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको दो टिप्स दूंगी, उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको पेन्स बहुत ज्यादा होंगे, हिम्मत मत हारिएगा, बस अपना जो रेगुलर है उसको मेंटेन करिएगा तो डेफिनेटली रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आपको इस तरह से अपनी बॉडी की पोजीशन लेनी है, हिप्स को आपको पीछे रखना है, हैंड्स को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है और आपको अपनी बॉडी को ऑपोजिट लेके जाना है। यानी अगर आप लेफ्ट आर्म आगे कर रहे हैं तो आपको राइट लेग को ऊपर उठाना है। सेम एज इट इज फॉलो करिए। आपको करने हैं 10 रैप्स और 10 के करने हैं आपको 4 सेट। पोजीशन होल्ड नहीं करनी, इमीडिएटली आपको अपना पोजीशन चेंज करना है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आप प्लेट चाहिए, अपने हैंड्स को आप पीछे रखिए और आपको ऑपोजिट साइड अपने आप को आगे लेके जाना है। सेम एज इट इज देख के आप फॉलो करिएगा। यहाँ पर हमारे 10 रैप्स कंप्लीट होते हैं। आपने करने हैं 10 रैप्स के 4 सेट। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जो आपकी यहाँ की आपकी कोर मसल यानी पेट की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और यहाँ का जो फैट है वो बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करता है। आपको करने हैं इसके 4 सेट। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से प्लेस करना है, लेग्स को ऊपर लेके जाना है, डाउन अप, लेकिन बहुत स्लो मोशन में। जितना आप स्लो मोशन में इसको करोगे उतना ही आपके इस एरिया पे लोड आएगा। जितना फास्ट करोगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। और जब आप पैरों को नीचे लेके जाओगे तो आपको जमीन से टच नहीं करना, बल्कि आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 के हमने करने हैं 5 सेट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने हाथों को आप पीछे लेके जाइए, प्रॉपर सीधा लेट जाइए, अपनी लेग्स को बिल्कुल सीधा उठाइए ऊपर की तरफ, अपने आप को आगे बेंड करना है फिर पीछे। इससे आपके लोअर टमी और अपर टमी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा और वहां का फैट टूटना स्टार्ट हो जाएगा। 10 के करने हैं आपको 5 सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
रिलैक्स हो जाइए। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आप इस तरीके से छाती के बल लेट जाइए। आपको ऑपोजिट साइड अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। मैं पहले यहाँ पे राइट आर्म उठाऊंगी और लेफ्ट लेग। इससे आप जब ऊपर करेंगे दोनों को होल्ड करेंगे पोजीशन को, आपको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। सीधा इसका लोड जो है आपके अपर और लोअर टमी पे जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करने हैं 10 के 4 सेट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और यहाँ पर आपको जितनी भी एक्सरसाइज बताई गई हैं आपको वो सारी फॉलो करनी है। अगर आप भी अपने कमर के इंचेस लूज करना चाहते हैं और अपने टमी के लटकेपन को दूर करना चाहते हैं। इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि एक महीने के लिए आप मीठा और नमक दोनों अपनी डाइट में से कट ऑफ कर दीजिए। नमक बहुत कम लें। अगर आप दाल सब्जी कोई भी चीज़ें खा रहे हैं तो उसमें नमक का जो है यूज़ कम करें, क्योंकि नमक जो होता है आपकी बॉडी में वेट बढ़ाता है। और मीठा भी सेम आपको कट ऑफ कर देना है और पानी का रेशो आपको बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 मंथ में आपकी बॉडी के अंदर ह्यूज डिफरेंस फील होगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा जमकर शेयर, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। मिलते हैं हंसी खुशी के साथ कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।